हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में हाल ही में नए 19 ज़िले बने हैं, उनमें से 8 ज़िलों का सीमांकन होने के बाद यहां पर सुलुम्बर ज़िले में कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे और सुलुम्बर जो नया ज़िला है इसके साथ कौन कौन से ज़िले व राज्यों की सीमा लगेगी। तो यहाँ पर 11 नए ज़िले हैं उनका सीमांकन हो गया है, 8 ज़िलों का अभी तक सीमांकन हुआ नहीं है। तो 8 जिलों का सीमांकन होने के बाद सुलुम्बर जिले में कौन कौन से क्षेत्र रह सकते हैं, सुलुम्बर जिले के साथ कौन कौन से जिले व राज्यों की सीमा लगने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ सुलुम्बर जिले के अंदर कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे। तो यहाँ पर डोंगलाई तहसील रहेगी, बड़ी सादड़ी, ठीक है, लसाड़िया, और यहाँ पर दारियावाड़, और यहाँ पर आसपुर, ये भी तहसील रहेगी, ठीक है। और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर सुलुम्बर जिला रहे, और यहाँ पर ऋषभदेव, ये बड़ा गाँव रहेगा, और यहाँ पर ये सराड़ा तहसील रहेगी, यहाँ पर ये गीगला, यहाँ पर ये सब क्षेत्र इसके अंदर रहेंगे और इसका मैप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और अब हम बात करते हैं इसके साथ कौन से जिले व राज्यों की सीमा लगेगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की सीमा लगेगी सुलुम्बर जिले के साथ, और इसके नीचे यहाँ पर प्रतापगढ़ की, और इसके नीचे फिर प्रतापगढ़ के नीचे यहाँ पर बांसवाड़ा की, और नीचे नीचे यहाँ पर डूंगरपुर की सीमा लगेगी सुलुम्बर जिले के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर गुजरात की। तो गुजरात राज्य की सीमा लगेगी, यहाँ पर एक क्षेत्र है, अगर वो शामिल किया जाता है इसमें सुलुम्बर ज़िले में तो यहाँ पर गुजरात की सीमा लगेगी, अन्यथा इसकी सीमा नहीं लगेगी। इसी प्रकार से इसका मैप दिखेगा, अगर सीमा लगती है इस ज़िले की, अगर ये क्षेत्र मिलाया जाता है तो इसका मैप भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ये उदयपुर ज़िला है, इसकी सीमा लगेगी, तो इस प्रकार से इसका मैप रहेगा और ये सब क्षेत्र इसके अंदर रह सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।